7 देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू में यहाँ पे मैट्रिक्स दिया 3x3 का, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू देखा जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, आर वन को लेकर चलेंगे तो सिर्फ ए ही एलिमेंट है, ये रहो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यही ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ए इंटू में ए स्क्वायर माइनस जीरो ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा तो अगर हम लोग बात करें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन माइनस वन यानी 3-1, 3 ऑर्डर का है, जो ए क्यूब का स्क्वायर ना हो जाएगा यहाँ पर 3-1 यानी 2 यानी ए का पावर 6 आ जाएगा यहाँ से, आंसर सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं।